सज़ा मिली थी इन क्यूट से बच्चों को, इतने टैलेंटेड बच्चों को चुनने की। आप सही समझ रहे हैं, हमारे जजेस। यस, अब आ गया है वो टाइम जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को हमारे जजेस से, जिनको आप लोगों ने एवी में देख ही लिया है, पर फिर भी सबसे पहले मैं बुलाऊंगा। हाँ, इन जज के बारे में बताता हूँ। ये युवा है, ये साथिया भी है, लाखों दिलों के प्रिंस है, इनकी मस्ती में है बहुत दम। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली विवेक आनंद ओबेरॉय। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। थैंक यू शांतनु। थैंक यू सर। सब बताइए आप इस बार सीजन में क्या अलग है, क्या है? यार वो इस बार सीजन में बाय वन गेट वन फ्री है। तो ऐसा है कि जोड़ी नॉर्मली आप देखते हैं फिल्मों में हीरो हीरोइन की होती है, इस बार जो जोड़ी बन रही है और जम रही है वो दो लड़कों की हो रही है। अब आप पूछेंगे एम आई ओके, मैं कहूँगा आई एम नॉट ओके, ही इज ओके। फिर आप बोलोगे ये क्या बेतुका सवाल है, आर यू ओके? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट ओके, ही इज ओके। ओके, आर यू ओके? कैन यू कम ऑन स्टेज? ओके, सो मैं बता दूं भाई, ये भी आपको आधा इंट्रोडक्शन तो मिल गया, पर सर भी कुछ कम नहीं है। ओके इसलिए बोला जा रहा है उमंग कुमार के लिए ओके, कुछ लोगों को जोक अगर नहीं समझाए तो। यस, अच्छा वो आपने जोक के नीचे सबटाइटल मार दिए, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव हिम अ बिग हैंड बिकॉज ओके इज रिटर्न टू टेलीविजन आफ्टर डेकेड्स एंड ही स्टिल लुक्स एज यंग एज ही यूज्ड टू बैक इन द डे। जब हम कॉलेज में जाके इनका शो देखते थे तब आप भी कॉलेज से बस बाहर ही निकले थे। अच्छा, मैं स्कूल बोलने वाला था लेकिन मैं बोला नहीं, अच्छा दोस्त है यार, कॉलेज बोल देता हूँ। बट इज बिन फैंटास्टिक। मेरे तो ये तीसरा सीजन है वर्किंग विद ओके। ऑन स्टेज हैज बिन इनक्रेडिबल, ही ब्रिंग्स अ होल डिफरेंट एनर्जी, बहुत मस्ती। मैंने वाकई में ये सोचा नहीं था कि इस तरह से, मतलब मैंने कोशिश काफ़ी की बदमाशी करने की कि ओके को फंसाया जाए अजीब और गरीब सिचुएशंस में। जैसे एक बच्ची है जो योगा करती है, तो मैंने कहा अच्छा ये ओके भी जो है ना वो बहुत बड़ा योगा एक्सपर्ट है, तो उस बेचारी का मुंह देख के ओके ना नहीं कह पाए। वो ड्रामेबाज ले गई ओके को स्टेज पे और आड़े टेढ़े आसन करने लग गई, मतलब कभी टांग ऊपर सर नीचे इधर उधर, एंड ही वाज सच अ स्पोर्ट, ही डिड इट ऑल ऑन स्टेज एंड यू विल सी दैट इन द एपिसोड आल्सो। तो वाकई हमारा जो तीसरा जज है बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है। वेल इट्स बीन 25 इयर्स, 25 साल के बाद। 25 साल पहले एक मिनट शो आया करता था और मैं उसका होस्ट था, तब से लेके अब तक फैमिली के साथ फिर से जुड़ गया हूँ मैं। जी टी वी इज़ लाइक फैमिली, एंड जब उन्होंने कहा कि जज करना है इंडियाज़ बेस्ट ड्रामे मास, हाउ कुड आई से नो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस शो इज़ सो फेमस। और पिछले दो सीजन जो सोनाली बेंद्रे जी एंड विवेक जी ने जज किया है, तो ऑब्वियसली फैंटास्टिक था। इनका टैलेंट आप देख चुके हैं कि यहाँ से जो भी बच्चे आते हैं बहुत नाम कमाते हैं और हर चैनल पर छा जाते हैं, तो ऑब्वियसली आई हैड टू कम बैक। एंड अभी हाल ही में आप एक बच्ची से मिले, Yes, तमन्ना। Yes, yes, तमन्ना जो अब खुद DID में होस्ट कर रही थी, which is fantastic. And it's amazing, it's an amazing feeling, क्योंकि इस मंच से जुड़े हुए इतने सारे बच्चे हैं जो हमें टेलीविजन पे, फिल्म्स में, एड्स में दिखाई देते हैं, और एक सेंस ऑफ प्राइड फील होती है कि यार ये अपने बच्चा है, अपने बच्चे अपने मंच से इसको तराश के हमने आगे भेजा है, वो हमारा नाम रोशन करना है। इट्स अ रियल अमेजिंग फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज। सेम हियर, एंड लुक आउट फॉर दीज कैरेक्टर्स, मीन्स मैं कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ बिकॉज इतने ड्रामेबाज है कि चौकन्ना कर दे, मैं तो पागल ही हो गया। मैं सोचा मैं एकदम स्ट्रिक्ट जज रहूँगा, उनको देख के तो मैं पिघल ही गया। मैं बोला इनको भी ले लो यार, आई कांट से नो टू देम, सच ह्यूज टैलेंट। 4 साल 5 साल की उम्र में कैसे कर पाते हैं इतना डायलॉग याद, मुझे तो नहीं समझ आता है। अच्छा डायलॉग तो याद कर लेते हैं, बट शांतनु काफी क्वेश्चन याद करके आया है। शांतनु हाँ, सॉरी, और हम उसे कुछ क्वेश्चन पूछने नहीं दे रहे हैं। शांतनु क्या याद करके आया हो बेटा? एक्चुअली मैं उमंग सर से ये पूछना चाह रहा था कि क्या सर आप इस शो में जज करने के बाद ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बच्चे लोगों की मूवी बनानी है आप लोगों आपको, और कास्टिंग तो आपको फुल्ली डिसाइडेड है। हां बट यू डोंट क्वालीफाई एज बच्चा, सो मतलब एक हीरो भी तो चाहिए। नहीं, बच्चों की पिक्चर बनती कम है, और उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज कोई फंड नहीं करता, मेरे को पता नहीं क्यों।
दो साल पहले मैंने भी सोचा था करने के लिए, लेकिन फिर होता है कि इतना ही पैसा मिल सकता है और इतना ही करना है, तो ना सर नहीं, जब पैसा आएंगे तब करेंगे, बिकॉज एक बड़ी पिक्चर टीवी से बात की आपने, नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इतना टैलेंट है, वी कैन रियली डू समथिंग आउट ऑफ इट एंड आई थिंक आई विल डू, बट हाँ इतना टैलेंट है कि मैं सबको प्रॉमिस करता हूँ आप मेरी पिक्चर में हो, आप मेरी पिक्चर में हो, बिकॉज यू कैन से नो टू देम, दे आर सो सो टैलेंटेड, चाहे ना चाहे आपको बनानी ही पड़ेगी बच्चों की 100%, एंड देर आर सो मेनी गुड मूवीज, अब आप देख रहे हो जंगल बुक ये वो सब, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इंटरनेशनल फिल्म्स बनती हैं, हम क्यों नहीं बना रहे, आई डोंट नो, बट बनाएंगे जरूर, बनाएंगे। मेरे घर पे ना थोड़ा अजीब सिचुएशन है कि मैं जब कोई फिल्म करता हूँ तो मेरी वाइफ कभी टेंशन नहीं लेती है, मैं कोई वेब सीरीज करता हूँ तो भी कोई टेंशन नहीं लेती है, कोई डिफिकल्ट एक्शन मूवी लॉट्स ऑफ स्टंट्स ये वो ताम झाम तो भी कभी टेंशन नहीं लेती, लेकिन जब मैं इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज करता हूँ तो प्रियंका थोड़ी टेंशन में आ जाती है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सीजन मैंने किया और हमारा बेटा हुआ, दूसरा सीजन मैंने किया हमारी बेटी हुई, अब तीसरा सीजन कर रहा हूँ तो प्रियंका बोलती है बॉस हो गया कोटा, आगे का फ्यूचर के ड्रामेबाज को जारी रखना है ना इसलिए। सो या आई मीन एनीथिंग एल्स आप लोग बताना चाहेंगे जो सीजन, स्पेशली विवेक भैया से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने क्योंकि वन एंड सीजन टू भी किया है, सो सीजन थ्री में ऐसा क्या डिफरेंट है, आप प्लीज मेरा नाम वापस मत लीजिएगा। नहीं, मैंने ऑनेस्टली सोचा था कि सीजन थ्री में हमारे इतने अच्छे होस्ट के अलावा, इतने प्यारे होस्ट के अलावा, मुझे लगा कि सीजन टू में जो बच्चे आए थे उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी, और जब हम फिनाले में थे तो हमारी सच्ची में इतनी बड़ी दुविधा हो गई थी कि किसे चूज़ करें किसे नहीं करें, इट वॉज़ अ टफ टास्क ऑनेस्टली, और इसीलिए अब देखें तो जितने टॉप टेन में आए थे सब कहीं ना कहीं निकल गए हैं, देव ऑल फ्लरिशिंग समवेयर, देव ऑल बिकम स्टार्स इन देयर ओन राइट, कोई थिएटर कर रहा है, कोई टीवी, कोई फिल्म। इन सीजन थ्री के जब ऑडिशंस हुए तो मैंने और सोनाली ने एक दूसरे को देखा और कहा यार माय गॉड, हमने सोचा था कि यार सीजन टू का लेवल ही अलग था, अब सीजन थ्री मैच कर पाएगा कि नहीं, बट ऑनेस्टली इस बार इतना मजा आया है और इस कदर के अमेजिंग परफॉर्मर्स आए हैं बच्चे, बिलीव मी इस शो के ट्रू स्टार्स, मैं हमेशा कहता हूँ लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भाई सीजन थ्री में आपसे क्या देखने को मिलेगा, मैंने कहा मुझसे क्या देखेंगे आप, मैं तो खुद देख रहा हूँ, ये बच्चे इतने अमेजिंग हैं, दीज आर द ट्रू स्टार्स ऑफ आर शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, एंड वो आपको मोहित कर लेंगे, आप बैठे रहोगे और देखते रहोगे कि यार अचंभे में कि कैसे परफॉर्म कर लिया 4-5 साल के बच्चे को, बच्चों ने ये परफॉर्मेंस, क्योंकि जब जब उमंग आए हर 2-3 परफॉर्मेंस के बाद उमंग हमें ऐसे देख रहे थे यार ये भी होता है, और मैं कहा देखो वेलकम टू इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, एंड इट्स अनबिलीवेबल, आपको फिल्म में तो मौका मिलता है लाइक यू नो रीटेक पर रीटेक देना, यहाँ बच्चे लोग आ रहे एक टेक में लंबे लंबे डायलॉग फुल ऑन, उनकी लैंग्वेज भी नहीं हो लेकिन कितने मतलब मैच्योरली एक्ट करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं जैसे कि दे बॉर्न ऑन स्टेज, एंड आई रियली लव दैट, आई मीन किसी को ना ही नहीं कर पाया, आई डोंट नो मैंने कितने कॉन्फिडेंस उमंग इतना exactly. इतना अमेजिंग इन बच्चों का कॉन्फिडेंस है, आप अभी देखें भी कुछ बच्चों से आप रूबरू भी होंगे, लेकिन हम कभी कभी जानबूझ के कोशिश भी करते हैं बच्चों को थ्रो करने के लिए, बीच में जब वो स्टेज पे हैं तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, टेढ़ा सवाल पूछेंगे, थोड़ी मस्ती करने की कोशिश करेंगे, और वो इतने हाजिर जवाब होते हैं वो हमें ही चुप कर देते हैं अपने जवाब से, और वो देख के इतना मजा आता है कि ये बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, ये बिल्कुल हिले नहीं, ये बिल्कुल डगमगाए नहीं, एक्चुअली वही हम लोग देख रहे हैं कि आप रिहर्स करके आओ आओगे वहाँ परफॉर्म करोगे तो वो एक्ट नहीं जज करते, वो बच्चे में क्या स्पेशल है, क्या स्पार्क है, क्या पिकअप कर सकते हैं हम, जो स्ट्रीट स्मार्ट हम देख रहे हैं उनमें है या नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट मतलब ऑन द स्पॉट कैसे जवाब देंगे, आर दे काइंड, आर दे पोलाइट, आर दे ऑन द स्पॉट एनएक्टिंग समथिंग डिफरेंट, वो स्पार्क हम ढूंढ रहे हैं, और हमने 150 पीपल में से 16 कलेक्ट करने थे और हमें मिले हैं, और ऐसे लोग मिले हैं कि आई थिंक दे गोना बी द फ्यूचर ह्यूज स्टार्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। मेरे लिए इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज इज बिन शांतनु आपका पहला साल है, मेरे लिए एक खास बात है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में, जो एक जब मैं सेटिस्फैक्शन की बात करता हूँ कि आपको लगता है कि आप कच्ची मिट्टी को लेकर उसके आकार दे रहे हैं, यू नो यू आर सिटिंग एज अ जज, आप बच्चों का टैलेंट देख रहे हैं, उनको होन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स हर हफ्ते में जब वो आके आपके सामने परफॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कितनी ग्रोथ हुई, आप देख सकते हैं, विजिबली मेजर कर सकते हैं, जो आपने पिछली बार उनको बताया वो उन्होंने लेकर अपना उसको अपनाया कैसे, उसको यूज़ कैसे किया और अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया, बट कुछ चीज़ें हैं दैट गो बियॉन्ड एवरीथिंग, मतलब विच मेक्स इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, जिसे मैं इतना इस शो को मैं इतना प्यार इसीलिए करता हूँ, बिकॉज जैसे हमारे यहाँ किलकारी के बच्चे आते हैं और इससे पहले भी आए हैं कार्तिकेय राज,
He made it to the top finalists and got a lot of popularity and success. And when you hear ki inki backstories kya hai, kin samajik paristhitiyon se ye joonj kar, lad kar yahan tak pahunche hain, it's amazing. Aur is baar ek bahut anokhi bhi cheez hui. Jis is ab aap ek bache ka performance dekhenge Harshaj Lucky ka. And usse bhi same teacher ne teach kiya hai. Usse bhi same teacher ne sikhaya hai. Aur jab maine us teacher se pucha ki aap ye kyun karte ho? Because wo bachchon se paise nahi lete, bilkul muft karte hain. वो आंखों उनकी आंखों में से आंसू आने लगे. उन्होंने मंच पे रोना शुरू किया और कहा कि सर मैं कभी बन नहीं पाया एक्टर. मेरी जिंदगी की चाह थी, मेरी एक ये ड्रीम थी कि मेरा सपना था कि मैं एक दिन एक्टर बनूं और मैं नहीं बन पाया. लेकिन जब मैं इन बच्चों को इस मंच पे पहुंचाता हूं, ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोई क्लासेस, कोई अंडर प्रिविलेज घरों से है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे बच्चों को जब मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, उनको तराशता हूँ और उनको स्टेज पर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन तर गया. तो ऐसे भी हीरोज से हमारा संपर्क होता है एंड इट्स इनक्रेडिबल. और पर मैंने प्रॉमिस भी किया था कि उनको मैं रोल दूंगा अपनी पिक्चर में, तो ऑब्वियसली उनके ड्रीम्स कहीं कहीं वेस्ट नहीं हुए, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम आपको पिक्चर में लेंगे और आपको काम देंगे. बट ऐसे ड्रीम्स भी रियलाइज करने चाहिए और वही ये प्लेटफॉर्म देता है, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज. वो आप लोग देते हैं. सो जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हम आपसे और भी बात करेंगे सर, बट थोड़ी देर के बाद. You're doing a great job. Thank you, sir. Thank you. आपका आशीर्वाद. अरे. So ये थे हमारे जजेस, यानी कि हमारे सभापति को देखकर आप लोग हो जाएंगे डावा डोल कि ऐसा भी कुछ होता है. So क्यों आ जाइए आप विप निकाल के. तो ये कभी जोर लगा के, कभी शोर मचा के, जीते हर बाजी हम शर्त लगा के. अरे भाई वो ये होता है, ये होता है असली टैलेंट. मतलब डांस दिखाना है तो दिखाना है. वेरी नाइस यार, बस भी कर ले. गुड. सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप रे वो ये है बच्चे फंकी टोटल नौटंकी. सो बस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी धमाकेदार एंट्री के बाद कुछ झलक देखने को मिल जाए, है ना, कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस की झलक देखने को मिल जाए. सो ठीक है, करवाते हैं. थैंक यू सो मच बच्चे लोग, चलो. थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए. वेलकम. ओके, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू. एक पहला बच्चा जो वेलकम, वेलकम, आप भी बोलोगे वेलकम. थैंक यू, वेलकम, थैंक यू. वेलकम हो गया. अब इसमें इतना मजा नहीं आ रहा बच्चा, गर्वित ऐसा थोड़ी होता है यार. ये कैसी ड्रामेबाज थी, सिर्फ बोर्ड तोड़ा और सिर्फ खत्म. तो ठीक है, आप दिखा दो थोड़ा बहुत. मुझे कुछ नहीं आता. तो आप ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाओ, प्रिपेयर करके आओ, मैं बाकी लोगों को बुलाऊं जिन लोगों को आता है कुछ ना कुछ. अभी कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, ड्रामेबाजी में डांस नहीं है, वो दूसरा शो है. वो अभी अभी ग्रैंड फिनाले हो गया उसका. हाँ अभी करके आया है. क्या दैया? अच्छा कर दो. दैया ऑडियंस गिन रहा हूँ भैया, तो आना हमारा शो देखने, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज. इतना बोला था. अरे 30 जून से बाद में, बहुत आगे. 30 तारीख से रविवार और शनिवार रात 9:30 बजे. यस यस, हमारा शो प्लीज देखिए. पर मैं बता दूं करेक्शन टाइम में 9 बजे. क्योंकि देखना, क्योंकि गर्वित आने वाला है ऑटोग्राफ वाला.
ठीक है, और बाकी लोगों को नहीं देखे हम, बाकी लोगों को नहीं देखे हम, बाकी लोग अपना टीवी चला के देख लेंगे, हमारे पास तो वैसे कुछ टीवी और टीवी। ठीक है, थैंक यू सो मच गर्वित। हॉल, मेरे हॉल में बड़ा टीवी है, वो स्क्रीन टच, वो जो जैसे होता है ना, वो स्मार्ट बोर्ड, उसको हटाते हैं तो भी देख सकते हैं, वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, और बताओ मुझे क्या है, और इधर आओ, और बताओ क्या है? और कुछ नहीं बताना चाहता है वो। जोरदार तालियां हो जाए हमारे ड्रामेबाजों के लिए प्लीज। यस, और अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, आप लोगों को ड्रामेबाजी देखनी है तो मैं दिखवाता हूं हमारे सबसे कूल ड्रामेबाज को सीजन 3 के। ये है स्पेशल बिकॉज इनका नाम है 3, और 3 गुना ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्लीज वेलकम पटना से 8 साल के हर्ष राज लखी। जोरदार तालियां हो जाए। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। खुशियों को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है, जैसे दो टांगे जिसका इस्तेमाल वो पत्नी के सर पर नाचने के लिए करता है, और ये दो हाथ जिसका इस्तेमाल वो पत्नी को हाथ जोड़ने और घर के सारे कामकाज करने के लिए करता है, और ये दो आंखें जिसका इस्तेमाल वो पत्नी से नजरे ना मिलाकर बल्कि और नजरे झुकाकर करता है, वो कम बोलता है और पत्नी के अलावा किसी की सुनता ही कहाँ है, पत्नी से मिलने वाली गालियां दुआ होती है और पिटाई दवा होती है, कोई पतियों ने तो अपनी गाड़ी के पीछे पत्नी का आशीर्वाद लिखवाना शुरू कर दिया है, और जब इन्हें टाइने का कहो तो वो लड़खड़ाती जुबान में कहते हैं, हम नंबर प्लेट हटा सकते हैं लेकिन पत्नी का आशीर्वाद नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं हूं सर, क्योंकि अपन ना किसी से डरे ना किसी से दबे, मैं अपनी पत्नी से डरता नहीं बल्कि उसका सम्मान करता हूँ, उसकी हिम्मत ना है जो मुझसे कभी इज्जत से बात करे, अब बेचारी अबला पहलवान नारी मुझे कभी बेलन झाड़ू से मार भी देती तो क्या हुआ, मैंने भी तो उसे कई बार धोया है, उठा उठा के पटक पटक के, उठा उठा के पटक पटक के, उठा उठा के, वो भी सपनों में, तब तक बेचारी ने मुझे कुछ नहीं कहा, चोरू का गुलाम मुझे बनना बिल्कुल पसंद नहीं सर, इसलिए वो जैसा कहती वैसा कर लेता, क्योंकि अपन ना किसी से डरे ना किसी से दबे, मेरी पत्नी तो मुझसे आज तक ये भी नहीं पूछी कि कहाँ गए थे जी, कहाँ से आ रहे हो, अरे क्योंकि मैं पहले ही घर के सारे काम काज करके अपनी पत्नी की परमिशन लेके जाता हूँ, मेरी पत्नी तो मुझसे आज तक 1 रुपया नहीं मांगी, पूछे क्यों पूछे, क्योंकि मेरी सैलरी डायरेक्ट उसके अकाउंट में चली जाती है ना, तो मैं भी अब चलता हूँ, मुझे अभी घर में बहुत काम करना है, नहीं तो मेरी बीबी बहुत मारेगी। जब से
क्या बात लकी के लिए, क्या परफॉर्म किया है, ओ बाय गॉड, ओके ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया कि रिसीवर माइक का गिर गया था, कैसे धीरे से, टोटल फंकी बेटा तू। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए यार। सो बस अब अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊं, ये इनकी एक्टिंग है ऑसम, सिंगिंग है सुपर, डांसिंग में भी धमाल कर देती है, ये है 3-in-1 का पैकेज। सो लेट्स वेलकम सिद्धि मालविया फ्रॉम भोपाल। यार बच्चे हैं, इनके लिए तो ताली बजा ही सकते हैं हम, है ना। हर युग में एक थर्मित हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान श्री राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया पाना पहनकर हमारे आत्म सम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए, और वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। जब एक राजपूत अपनी मान और मिट्टी के लिए लड़ता है, तब उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ा, तब राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने ना दिया। अगर आज रणभूमि में हमारे वीर अमर भी हो जाएं, तब भी शत्रु जीतेगा नहीं। अब चित्तौड़ में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शत्राड़िया लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को फिर जलाएंगे, सौंप देंगे अपने आप को आग में, और मिलकर जौहर करेंगे। हमारी लालसा रखने वाले उस शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर जलकर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारा सूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी सा हुकुम। आखिरी चुनर उड़ने का वक्त आ गया है, घर के दरवाजे बंद कर दो। जय भवानी।
क्या बात है सिद्दीक, तालियां प्लीज गाइस, बच्चे हैं, थैंक यू। कुमकुम या तो सब टिकली लगाते हैं टिकली, हमारे मराठी में कहते हैं ना टिकली तो टिकली ना तो दूसरी चिकटवली, जैसा साड़ी का रंग वैसा टिकली का रंग, मैचिंग टिकली। लेकिन बिंदी लगाते कम और बांटते ज्यादा हैं। सुबह उठे बाथरूम में गए, बाथरूम की दीवार सौभाग्यवती भव, बाहर आए आईने के सामने बैठे आईना सौभाग्यवती भव। हे भाई मैं ये नहीं कहती कि मेरा कुमकुम लगा और तेरी बिंदी मत लगा, पर कुमकुम बनता है हल्दी और कपूर से, और यहाँ लगाने से हमारे महिलाओं का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और घर में भी शांति रहती। वो क्या है ना, मानसिक संतुलन अच्छा रहना जरूरी है क्योंकि हमारे महिलाओं को घर चलाना पड़ता है। आदमी तो पैसा कमा कर बीवी के हाथों में दे देता है, लेकिन उन पैसों का सही उपयोग करने के लिए, घर अच्छा चलाने के लिए हमारे महिलाओं के दिमाग में कई तरह के चैनल्स चलते, जैसे बेटे की शिक्षा है, बेटी की पढ़ाई है, सास ससुर की सेवा है अगर घर में हो तो, और ये सारे चैनल्स तेरे दिमाग में अच्छे से चलने के लिए ये जो तेरे बालों का जुड़ा है ना तई, ये डीसी एंटीना है, डीसी एंटीना। हाँ तो मला सांग, अगर ये डीसी एंटीना तू ब्यूटी पार्लर में जाके काट दे तो ये सारे चैनल्स बंद नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ बुरगुंडा वैल बया ग, तुला बुरगुंडा होय, बुरगुंडा वैल बया ग, तुला बुरगुंडा होय, तुला भी होइल बया मला भी होइल, तुला भी होइल बया मला भी होइल, असा बुरगुंडा वैल बया ग, तुला बुरगुंडा होइल। ओ ताई लेते क्या कुमकुम? क्या बात है, थैंक यू सो मच निकदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेग भैया और उमंग सर, आपको बता दूं कि एक और टैलेंट भी है हमारे पास, ठीक है? हाँ, एक्चुअली वो टैलेंट तो क्या, मतलब तड़का है, तड़का। यस जनता, आप तो सही सुन रहे हैं, जनता की, आप लोगों की आवाज, आप लोगों की आवाज लेकर रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ रही हैं यंग हॉट एंड ब्यूटीफुल दीवा पद्मावती एंड उसका बेचारा सा पति, सो प्लीज वेलकम देम। ए ब्यूटीफुल और दीवा बोला है, मॉडल की तरह लेकर चल। ओके हेलो, अरे तू नहीं, मैं मॉडल की तरह। ओह सॉरी, हेलो एवरीबॉडी, ये किस, अरे ये तो रॉन्ग हॉल है, ये शोक सदा का हॉल है, सॉरी। अरे तुम लोग चालू रखो अपना। अबे नहीं, हम सही हॉल में हैं, हम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के हॉल में हैं, तो तालियां बजाओ ना, तालियां। हेलो हेलो एवरीबॉडी, ये तू शांत, तू एकदम शांत रहे, शांत रहे। अच्छा ठीक है, हेलो ओके, वेरी नाइस। आप बताएंगे उसके अलावा और कुछ बताएंगे? आप हो कौन? ये तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं बताता हूँ, ये नाराज है। नहीं हम ये हैं। क्या हाथ? अरे लिखा है उस पे। ओ हाँ, हम हैं। हाँ हम हैं जनता की जान। जनता की आवाज। हाँ सॉरी, जनता की आवाज। यस सिल, बिल्कुल जोरदार तालियां इसके लिए, जनता की आवाज है हम। अच्छा हाँ जी, ये क्या है जनता की आवाज, समझा नहीं बाप। मुझे बता, हम मतलब तू भी जनता की आवाज है? हाँ। तेरी तो खुद की आवाज निकलती नहीं है, तू जनता की आवाज बन रहा है। तेरी आवाज छोड़, तेरी तो खुद की आइडेंटिटी थी नहीं है। वही एग्जैक्टली exactly, उसी बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, है जानना चाहते हैं जजेस सब है, लोग है। मैं वो पति, रिलेशनशिप नहीं पूछ रहे, आइडेंटिटी मतलब कौन हो, किसके पति हो, कौन हो, नाम होगा ना, जैसे मेरा नाम शांतनु महेश्वरी है। अरे मेरा नाम, काम, धर्म, ईमान सब यही है। मैं हूँ पद्मा कपति और ये है मेरी वाइफ। इसकी तुरी लाइफ बोले तो पद्मा होती, उर्फ हॉट
dashing lallan pop lollipop and all those good things. Yeah, zordar taliya. But you can call me Padma. You can call her Padma. Thanks. और हम इस शो में बनकर आए हैं होस्ट नहीं सुपर जज नहीं सुपर जज नहीं ड्रामेबाज हैं नहीं 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 ड्रामेबाज तो अभी आकर गए आपने देखा इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस थे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हाँ yes. हमारे इतने सारे तोप के गोले हैं और ऐसे ही दहशतवादी नहीं टैलेंटेड टैलेंटेड 16 कंटेस्टेंट्स बनने आएंगे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज यस पता नहीं क्या क्या होगा क्या क्या नहीं क्या क्या होगा ऐसा क्या होगा धरती कांपेगी ओके धरती कांपेगी आसमान फटेगा दुनिया डोलेगी दुनिया बोलेगी और पूरी आवाज एक ही चीज बोलेगी हाँ एक ही चीज बोलेगी अब आप लोग निकलो कि आप क्या कि अब आप लोग निकलो क्या? लेट हो रहा है आप लोगों को शो में मिलेंगे सर नहीं वो थोड़ा टाइम ठीक है हॉटनेस तू कह रहा है इसीलिए जा रही हूँ थैंक यू क्यूटनेस से हॉटनेस में आने के लिए थैंक यू सो मच ठीक है फिर हम चले जाते हैं ओके थैंक यू सो मच बाय बाय जोरदार तालियां हो जाए पद्मा और उसके पति के लिए थैंक्स बाय शान टाटा थैंक यू नहीं शांतनु नो शानू टाटा शांतनु अरे तो को चैनल इनका प्यार बहुत जल्दी बदल जाएगा मुझे पता है यूज ऑफ अप्लॉज फॉर पद्मा एंड पद्मा का पति आगे बढ़ते हैं चलो ठीक है भाई ये तो चले गए पर कुछ लोग 13 साल की उम्र में इन्होंने ये किया है ऑसम यार ऑसम दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की और आपके जज्बे की सो मैं बुलाना चाहूँगा विवेक सर उमंग सर एंड हमारे दीपक सर को ताकि आप प्लीज जय कुमार को फेलिसिटेट करें थैंक यू गाइज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम जोरदार थैंक यू सो मच थैंक यू आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन और ऐसे ही कई और भी इंस्पिरेशनल स्टोरियाज हम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के मंच पर रिक्रिएट करेंगे जहां पर है बच्चे फंकी टोटल नॉट थंकी और अब बाजू हटो ओके ठीक है अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था वन ऑन वन आप लोगों को थैंक यू सो मच अब वो घड़ी आ गई है मैं पीछे हट जाता हूँ आप लोग प्लीज जो भी वन ऑन या प्लीज गुड इवनिंग माय नेम इज एम जय कुमार आई एम स्टडीइंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल नारनाबरम एट शिवकाशी माय आई इन्वेंटेड automatic fire safety device. Why I choose the automatic fire safety device? Because Shivahasi is called Kutti Japan and 1055 factories is running in Shivahasi and lakhs of people works in fireworks factories. So my friends' parents and also my mother's works in fire factories. Sometimes fire accident cause so death of some so for how fire accident then first reason friction second reason workers careless third reason workers lift heavy loads so I want stop the fire accident and safely my human life so we cannot human life even given a 1 crore so I choose this project I display this project Mr. Siva Subramanian ISRO scientist he encouraged two more projects so thank you I mean there are real heroes like this yaar ye hum sab diwali manate hain aur diwali ke samay hum sab patake jalate hain aur 99 patakon mein se ya 100 patakon mein se 99 aapke Shivakasi mein bante hain
और सिवकासी में इनकी माँ काम करती हैं, और इन्हें लगा जब इनकी माँ जैसे जितनी वर्कर्स हैं सिवकासी में, जब फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर क्रैकर्स के साथ काम करते हैं, बारूद रहता है, केमिकल्स रहते हैं, जो बर्न्स हो जाती हैं, इंजरीज हो जाती हैं, और काफ़ी लोग मर भी जाते हैं हर साल हमारी दिवाली मनाने से पहले, काफ़ी लोग इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स की वजह से मरते हैं। और जब इसने पूछा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स क्यों नहीं है हमारे पास, जब फाइव स्टार होटल्स में होते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते जहाँ ज़रूरत है, तो उसकी माँ ने कहा कि बहुत महंगे होते हैं और यहाँ पे फैक्ट्रीज में लगा नहीं सकते। और तब उसने आविष्कार किया एक किफ़ायती अफोर्डेबल फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो, और वो भी 13 साल की उम्र में। तो आई सल्यूट जय कुमार, दीज आर द ट्रू हीरोज ऑफ इंडिया। ये इनके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, ये इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम करुणई दास, गवर्नमेंट स्कूल टीचर इन तमिलनाडु, ए रूरल एरिया फ्रॉम सिवकासी, 6 kilometers फ्रॉम, ही इज कम डेली बाय ओनली बाय वॉक अंड ही स्टडी, आइडेंटिफाई ए जय कुमार, ही इज वेरी ब्रिलियंट and innovative student. So I take the student and motivate the student very much. He want to innovate something to do some to the society. So I motivate to do this project. He invent this project, and he display this project in to ISRO scientist Subramanian, who is friend of Dr. ABJ Abdul Kalam. He motivate him, encourage to do lot of project. So he design a lot of project like smoke sensor and gas sensor and alcohol sensor, some projects are to do it. And he is a one of person go to MAI, Moscow Aviation Institute, and stay 1 week how to do a satellite. In satellite, he go to Russia with a sponsorship. Only government student go to Russia, Moscow Aviation Institute in India. Thank you very much. Thank you, sir. Jay Kumar, na chinna hero iruke, neenga rombo rombo periya hero irukanga. Rombo nalla thambi. Thank you very much. हम लोग सब छोटे मोटे हीरो हैं, यंग साइंटिस्ट इन इंडिया, दुनिया के सबसे बड़े हीरो आप हो। इस आल्सो वन जूनियर अब्दुल कलाम अवार्ड। थैंक यू सर। थैंक यू यप ओके सुपर जय कुमार, आई विल मीट यू, आई वांट टू सिट डाउन एंड डिस्कस विद यू हाउ वी कैन टेक दिस on fire extinguishers. We'll start with his sets. Okay, ab wo ghadi aa gayi jiska aap sab logo ko intezar tha, one on one question answers, sneak peeks. Acha pehle photo karwa dein, theek hai. Usko ghar jana hai aur uski girlfriend wait kar rahi hai. Let them do the photographs first. Yeah, पहले photographs कर लेते हैं, फिर हम लोग कर लो यार photos पहले कर लो बच्चों के साथ में ना, सबको बुलाएं, बच्चे please आ जाइए, विग्नेश बच्चे सब आ जाइए please, बच्चा brigade को बुलाओ भाई, all the ones there on the backstage please आ जाइए, आप लोग अपने आप आ रहे हैं कि मैं खींच कर लेकर आऊं आपको, बच्चों को भी बुलाओ, पद्मापति को भी बुलाओ, इनू आजा, इनू मीनू डीका आजा, इधर आके जाओ, ए चैंपियन, क्या हाथ तोड़ दिया, बाकी आ जाओ, इनू विग्नेश, इनू मीनू, अरे सामने आ जा भाई, गर्वित